है गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी या कुछ स्टॉक। तो आज हम सीधा बकवास करे बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाइटल तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, कन्फ्यूजन है मार्केट में। अब क्यों है वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, शायद आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, लेकिन बता ही देता हूँ। चलो, निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्यों है और किस हद तक नेक्स्ट वीक के मार्केट को इफेक्ट करेगा, उस पर असर आएगा, तो वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। तो गाइस, अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट की बात करेगा इससे, सपोर्ट हमें मिलेगा 18,300, 18,100 और 17,900 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 18,700 और 18,900 पे। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं उसका डेली चार्ट, और डेली चार्ट की माने तो गाइस, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ एक सीधी सी लाइन, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मोमेंटम है डाउन ट्रेंड का, वो मोमेंटम फ्राइडे को ट्राई किया था ऊपर ब्रेक करेंगे लेकिन टिका नहीं और नेगेटिव गया, और पैनिक सेलिंग भी शुरू हो गया और ओवर सेलिंग भी। मुझे लग रहा है आई थिंक ओवर सेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ओवरऑल अगर देखो तो नीचे के जाने के बाद वहाँ से बाइंग भी हमें दिखा था। तो ये इंडिकेट कर रहा है गाइस कि ये जो है टोटली एक करेक्शन हो सकता है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये करेक्शन ही लग रहा है। और ये जो करेक्शन है, ये मोमेंटम अभी नेगेटिव ही है, तो ये करेक्शन हमें शायद 18,300 या तो फिर मैं तो बोलूँगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,100 के करीब, वहाँ तक देखने को मिल सकता है। तो देखना रहेगा, डेली चार्ट से तो लग रहा है कि मंडे को शायद थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले और वापस से कोशिश करें ऊपर जाने का 18,600 के करीब, लेकिन डे के एंड में मंडे को शायद उसके क्रॉस ना हो पाए, 18,500 के नीचे ही क्लोज है वापस। तो देखना यह रहेगा मंडे और ट्यूसडे को कि क्या हमें थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो क्या वो 18,500 के ऊपर क्लोज आ रहा है, क्योंकि अगर 18,500 के ऊपर क्लोज आ गया वापस तो वहां से पूरा चांस है 18,700 और 800 तक वापस एक बार जाने का। लेकिन अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो गाइस, तो यहाँ पे हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये जो यहाँ पे ये जो देख रहे हो नीचे की साइड, तो ये जो सेलिंग है वो बरकरार है। तो ऊपर की ओर से जितना भी कोशिश करेगा ऊपर जाने का, सेलिंग बरकरार है, हैवी सेलिंग दिख रहा है, तो पूरा चांस है थोड़ा सा मंडे का कुल ऑफ होगा वापिस ट्यूसडे को, मतलब कि मंगलवार को वापस सेलिंग आएगा और वहाँ पे एक और प्रेशर बनेगा। आरएसआई की मानो गाइस, तो आरएसआई यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है एक नीचे की और मोमेंटम, और मोमेंटम के हिसाब से अभी चल रहा है 55। तो मुझे लग रहा है कि ये 50 और उसके थोड़ा सा नीचे जाने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो पूरा चांस है कि गाइस हमारा जो पहला सपोर्ट है 18,300 वो देखने को तुरंत मिल जाएगा मंडे और ट्यूसडे को, फिर वहाँ से शायद थोड़ा सा कूल ऑफ के साथ वापस 18,500 या 600 भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला, मंडे को थोड़ा सा लग रहा है कि कुल ऑफ होगा, मतलब कि एक और बाउंस देगा, लेकिन डे के एंड में नहीं लगता कि वो 18,500 के ऊपर क्लोज देगा, वापस से नीचे आ सकता है, और ट्यूसडे को वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा तो 18,300 तक जाने का चांस पूरा है। तो ये बात थी डेली चार्ट की जो मुझे लगता था। अब बात करते हैं इसके वीकली चार्ट की। तो गाइस, निफ्टी के अगर वीकली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि जो पिछले वीक के मुकाबले है वो इस वीक रेड कैंडल बना है, तो ये सीधा सीधा एक करेक्शन दिखा रहा है, और ये करेक्शन मोमेंटम के हिसाब से 18,300 तक जा सकता है। लेकिन वापस वीकली बेसिस पे अगर हम उसकी मूविंग एवरेज देखो तो हमें यहाँ पे दिखता है कि ये जो बाइंग का सिलसिला था यहाँ पे वो थोड़ा सा हल्का सा शांत हो चुका है, इसके लिए एक करेक्शन का कैंडल है। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक पूरा एक और कूल ऑफ रहेगा, तो वापस से चांस है कि यहाँ से और थोड़ा सा फिसले और नीचे की ओर जाए, लेकिन ओवरऑल अगर ज़्यादा रहा तो 18,100, कम रहा तो 18,300, यही दिख रहा है, उससे ज़्यादा का करेक्शन नहीं दिख रहा है। अगर कोई गलत न्यूज़ आया, कोई ऐसी न्यूज़ आई तो शायद हो सकता है कि बड़े करेक्शन देखने को मिले, लेकिन बड़े करेक्शन अभी इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगा बड़े करेक्शन नहीं लग रहे अभी के लिए। जैसे कि मैंने अभी मूविंग एवरेज की बात की, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है यहाँ पे बाइंग, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग मिल रहा है एक बाउंस पे तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से वापस आपको एक नीचे की और गिरावट देखने को मिल सकती है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का मोमेंटम यहाँ से डाउन हुआ है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से लग रहा है कि ये वापस नेक्स्ट वीक जो है वो पॉजिटिव होने का कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन ओवरऑल
मुझे नहीं लगता कि एक नए हाई देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट वहाँ का वहाँ रहेगा तो कोई ना नए लो ना नए हाई। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक की रेंज हमें शायद 18,300 से लेके 18,700 तक देखने को मिले। तो ये बात थी ओवरऑल निफ्टी की। अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की। तो गाइस बैंक निफ्टी में हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की हम बात नहीं करेंगे आगे क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है कोई दिखेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है और जिस हिसाब से मोमेंटम मुझे नहीं लगता कोई रेसिस्टेंस काम कर रहा है, तो उसकी बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बात करेंगे हम सपोर्ट की। तो सपोर्ट की सबसे पहले हम बता दें कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें 43,100 पे दिख रहा है, उसके बाद का सपोर्ट दिख रहा है 42,000, और उसके बाद का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 40,000 पे दिख रहा है। तो गाइस बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो हमें दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग सीधा सीधा एक मोमेंटम है जो ऊपर की ओर ही चला जा रहा है। काफ़ी कोशिश कर रहा है दबाव की ये वो, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो अपने हिसाब से लगातार चले जा रहा है, चले जा रहा है और चले जा रहा है। तो कोई भी रेजिस्टेंस, जैसे मैंने पहले ही बोला, रेजिस्टेंस एक भी काम नहीं करने वाले। सपोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने अभी बोला 43,100 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता दिख रहा है, बेस बना रहा है, और ये एक और वीक टिक गया तो समझ लेना नया बेस हमारे लिए होगा 43,100। मोमेंटम जैसे मैंने बोला पॉजिटिव है। मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है गाइस। अगर यहाँ पे आप देखो नीचे की ओर हमें दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रहा है। हल्का सा पॉजिटिव है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर पॉजिटिव, फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो ओवरऑल धीरे 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 हम सबको कन्फ्यूज़ कर कर के एक नए नए हाई मार रहे जा रहा है। और ये नए हाई मुझे लगता है कि अभी भी नेक्स्ट वीक बरकरार रहेंगे, क्योंकि हालांकि निफ्टी हो गया है नेगेटिव लेकिन बैंक निफ्टी में अभी डेली चार्ट के हिसाब से नहीं दिख रहा। तो मंडे ट्यूसडे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन देखने को मिलेगा और वापस से एक और पॉजिटिव। वीकली चार्ट में देखेंगे कि पूरे वीक के एंड में कैसा लगेगा बैंक निफ्टी। डेली चार्ट की आरएसआई की बात करें गाइस, तो आरएसआई हमें इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है कि वो ऑलरेडी यहाँ पे एक ओवरबॉट जोन में चला गया है, नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार हर गिरावट पे कोई बाय किए जा रहा है। तो इसका हम कोई ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव कहेंगे। इतना ही बोलूँगा मैं कि आरएसआई हमें हर उछाल पे प्रॉफिट बुकिंग का ही इंडिकेट दे रहा है अभी भी। तो अगर आपके पास बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी स्टॉक है तो अभी भी मैं वापस बोल रहा हूँ, हर उछाल पे आपको एक एक बेचना है, एक साथ नहीं बेचना है, एक एक बेचना है। अगर 100 है तो 1 एक ही बेचे, अगर आपके पास 10 है तो आधा आधा करके बेचे, लेकिन कुछ भी हो प्रॉफिट बुक करते रहिए क्योंकि वही चीज़ सही है। और ऐसे मार्केट में जहाँ कुछ तय नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इससे अच्छा है हम अपना प्रॉफिट बरकरार रखें, प्रॉफिट ना गिर जाए उसकी चिंता करें, तो यही सही रहेगा हमारे लिए। अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की। तो गाइस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की बात करें तो गाइस ये यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको मिलेगा कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर ही दिख रहा है। लेकिन ताजुब की बात यहाँ आती है कि अगर आप मूविंग एवरेज यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि धीरे 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 इसका जो बाइंग का वैल्यू है वो कम हो गया है। अगर जैसे कि यहाँ आप देखो पिछले वीक हमें करीब 325 दिखा रहा था, वही इस वीक हमें दिखा रहा है 321। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कोई सेलर्स नहीं आ रहे, इसकी वजह से लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बाइंग कम लग रही है। याद रखिएगा इस यहाँ से एक और करेक्शन हमें शायद देखने को मिल सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक अगर करेक्शन दिखा भी तो जैसे कि मैंने बोला 43,100 पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ एक पॉजिटिव सपोर्ट जोन बन रहा है, तो वो शायद ब्रेक करना पॉसिबल ना रहे। लेकिन हाँ हल्का सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है वीक के एंड में, वो इंडिकेट कर रहा है अभी मूविंग एवरेज हमें। आरएसआई की बात करें तो गाइस आरएसआई ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में चली गई है, तो ये भी वीकली बेसिस पे भी वही के बोल रहे हैं कि भाई अब हर उछाल पे आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। अब अभी भी नहीं कर रहे हो तो फिर गाइज मुझे नहीं लगता कि आपको फिर मौका भी मिलेगा, क्योंकि ये गिरावट जब भी आएगी बैंक निफ्टी में वो एक साथ बड़ा कैंडल ही बनाएगा रेड, मुझे नहीं लगता कि एक छोटे कैंडल में वो मानने वाला है। तो गाइज यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का कन्फ्यूज़न। अगर आपको, अगर मैं छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो भाई सीधी सी बात है कि भाई बैंक निफ्टी का चार्ट के हिसाब से मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, दिख भी रहा है कि भाई अच्छा मोमेंटम है, नए नए हाईज मारे जा रहा है। तो
बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके हिसाब से निफ्टी जो है वो पूरा विपरीत चल रहा है, पूरा उल्टा चल रहा है, पूरा नेगेटिव चल रहा है। जहाँ बैंक निफ्टी ने हाई मार रहे हैं, वहाँ निफ्टी करेक्शन का इंडिकेशन दे रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो नेक्स्ट वीक हमें सोल्व हो ही जाएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला, प्रॉफिट ही सही है, प्रॉफिट जब तक बुक नहीं करोगे तब तक के लिए सब कुछ गलत है। जो भी आपको दिखते हैं फिगर्स की इतना बढ़ रहा है आपको प्रॉफिट, गलत है। जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, जब तक आप उसको कंफर्म नहीं करते, तब तक वो प्रॉफिट नहीं है। तो गाइस अब हम आते हैं हमारे आज के सबसे पहले स्टॉक पे, जो है HCL टेक। HCL टेक गाइस लेने की वजह सिंपल है कि IT सेक्टर में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक न्यूज़ आई है कि भाई लोग अब डर रहे हैं कि भाई US में रिसेशन होगा तो क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, जहाँ मेरा बिजनेस चल रहा होगा, जहाँ मेरा धंधा चल रहा हो, वहाँ पे अगर कुछ होगा तो मेरे को भी इफेक्ट होगा ही ना। तो ऐसी बात है कि भाई जो जितनी भी IT कंपनी से उनको इफेक्ट होगा अगर US में रिसेशंस आए। लेकिन हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सीधा सीधा चार्ट देखेंगे और चार्ट जो बोल रहा है उसके हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले गाइस जैसे आप देख सकते हो मैंने इसका चार्ट निकाला है, लेकिन मैं सीधा मंथली चार्ट पे जाऊंगा। तो गाइस जो अब अभी आप देख रहे हो वो HCL टेक का मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट के हिसाब से उसका जो सपोर्ट लेवल है मेन पिछले मंथ का 1033, वो ब्रेक करके फ्राइडे को डाउन उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर होगा HCL टेक में, और ये और गिरेगा। अब बात आती है कि हमें कहाँ बाय करना है, क्योंकि हम बाय के लिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप लॉकडाउन पहले की चीज़ देखो तो वो करीब 600, 500, 600 की रेंज में यहाँ पे घूम रहा था। मार्क करता हूँ, हाँ ये रहा लॉकडाउन पहले का, ठीक है। उसके बाद काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, धंधा अच्छा किया उन्होंने, जो भी किया अच्छा चला। अब अगर बाय चांस यहाँ पे गिरा तो क्या होगा, तो वापस वो उसी लेवल्स पे आ जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शायद 600 आए, लेकिन उससे कम में भी लिखो तो मुझे लग रहा है करीब 800 के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर चार्ट की बात करें कुछ ना देख के, तो चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है, अरे चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ है तो ठीक है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। 900 के करीब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ अरे भाई बस भाई, हाँ अरे 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 हाँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि 900 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से और गिरावट हुई तो 900 तक हमें देखने को मिलेगा HCL टेक। तो मैं कहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इच्छुक है वो लोग, अगर बाय चांस नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई किसी हिसाब से, तो 900 के करीब मिले तो एक बार हल्की सी एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो। फिर वेट करो कितना गिर रहा है क्या है, क्योंकि नेक्स्ट वीक तब तक हमें, मैं वापस मिल जाऊंगा तो वापस हम उस पर एक और बार देखेंगे, रिव्यू करेंगे। तो 900 के करीब अगर आपको मिले तो ज़रूर बाय कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही गिरावट आ जाए और 600 पे वापस मिले ना, तो एक बार 600 के करीब वापस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, हाँ 600 के करीब यहाँ पे अगर आपको मिले 600 के करीब तो ज़रूर बाय कीजिए। और एक बार 900 पे बाय कीजिए, दूसरी बार अगर और गिरावट हो रही है नेक्स्ट वीक के लिए, सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए, तो और बाय कीजिए आप 600 पे। उसके बीच में कहीं पे भी मत वेट करना, क्योंकि ये जो गिरावट है मुझे नहीं लगता कि 100 चला भी जाएगा, शायद 900 आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 600 आ जाएगा एक वीक में, शायद कुछ महीने भी लेगा। लेकिन अगर रिसेशन हुआ, कुछ ये न्यूज़ सही भी निकली, तो जहाँ पे हमें दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि 900 पे एक स्टेबल वहाँ पे एक बाइंग आ सकती है, तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारी HCL टेक की। तो सारी जो भी मैंने अभी बोला वो आपको मतलब इसकी जो भी डिटेल्स है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब हम बात करते एक और ऐसे स्टॉक की जो IT से रिलेटेड है, जिसका नाम है इंफोसिस, ठीक है। जैसे मैंने अभी HCL टेक में बात की, दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है इंफोसिस, इन्फी जिसको मैं शॉर्ट से बोलता हूँ इन्फी। तो इन्फी अगर आपको लेना है, मतलब इन्फोसिस अब अगर आपको लेना है, तो उसका जो सपोर्ट है 1400 के करीब, ठीक है, यहाँ पे भी हम वापस ड्रॉ करेंगे 1400 के नीचे, मतलब उसके करीब उसका सपोर्ट है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बाय चांस बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए नेक्स्ट वीक तो 1400 के करीब या उसके नीचे आ जाए, तो 1400 के नीचे तो मतलब बहुत बेस्ट है, एक छोटी सी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्री लेवल चाहिए कि भाई लॉकडाउन के पहले के जो यहाँ पे लेवल्स थे ये वाले, तो वो करीब चल रहे थे 800 के करीब। तो अगर 800 के करीब आपको मिल रहा है यहाँ पे,
800 के करीब, तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी क्वांटिटी 1400 के करीब, अगर नेक्स्ट वीक बाय चांस कोई सी वजह से 800 भी जा रहा है, तो 800 के करीब आ रहा है, तो एक छोटी सी क्वांटिटी और बाय कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीक वापस से इसका भी रिव्यू करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये थे स्टॉक जो एक्चुअल में स्टॉक नहीं थे, बस मैं एक आईटी में इतना कुछ हुआ इसीलिए मैं एक रिव्यू देखना चाहता था, उनके स्टॉक मैंने दो ही लिए इसकी वजह से। अब आते हैं मेन स्टॉक के बारे में, जो हम नेक्स्ट वीक आप कर सकते हो, जिसमें अच्छे से प्रॉफिट हो सकता है हमें। ओके, तो फाइनली ऑफिशियली पहला स्टॉक जो है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस लेने की वजह गए सिंपल सी दो है। सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ उसने पॉजिटिव किया है। दूसरा, उसका जो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था 400 के करीब, उसके ऊपर 2-3 दिन क्लोज दे दिया है, नीचे की ओर डिग भी गया कि बाइंग अच्छी स्ट्रॉन्ग आ रही है 400 के नीचे। तो एक स्ट्रॉन्ग SL के साथ यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। टारगेट में बड़े नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक और करेक्शन मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी वीक है अभी के लिए। लेकिन एक जिस मोमेंटम के साथ ये चल रहा है, मुझे लग रहा है 420 तो शायद जा सकता है नेक्स्ट वीक। तो इसकी भी जो सारी डिटेल वो भी आपके स्क्रीन पे है। दूसरा स्टॉक गाइस ऑफिशियली जो लिया है वो है सन फार्मा। सन फार्मा गाइस क्यों लिया है, क्योंकि हमने बेचने के लिए लिया है, ना कि बाइंग करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक, ठीक है, यहाँ पे एक देखो तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नेगेटिव हुआ है, और इसका मूविंग एवरेज अगर आप देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे हुआ है सेलिंग, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हुआ है फ्राइडे को। तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग हम SL रखे यहाँ पे, तो वहाँ पे आप बेच सकते हो, शॉर्ट मिल जाएगा, 2-3% काफ़ी है हमारे लिए। जिसकी भी जो सारी डिटेल है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस ये जो हम स्टॉक देख रहे हैं, तो इसका आज का ऑफिशियल स्टॉक वो है M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस हम देख रहे हैं बाइंग के लिए, और किस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे हम इसका वीकली चार्ट देखो, तो हमें दिखेगा कि नीचे की ओर से, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, नीचे की ओर से अगर देखो तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ लगातार बाइंग हो रहा है, और काफ़ी हद तक उसने उसके जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी क्रॉस कर लिए है, और यहाँ पे एक स्टेबल, एक मैं कहूँगा एक 230 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ चल रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग SL के साथ, अगर स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करें, तो हमें वापस 240 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे तुरंत ही नेक्स्ट वीक। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो गाइस यही था आज की वीडियो, और अगर आपको, जाने से पहले मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी ये सारी चीज़ें आपको यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या आपको किसी काम आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ बोलना रहेगा, पूछना रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो नीचे कमेंट है, कमेंट में टाइप करो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा गाइस। तो थैंक यू जुड़ने के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी अर्निंग गाइस।